हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपने ओल्ड साड़ी, ओल्ड फैब्रिक या ओल्ड दुपट्टे को इस्तेमाल करके बना सकते हैं होल्डर नेक ब्लाउज। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने ये फैब्रिक का इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैं इसे दो फोल्ड में फोल्ड कर लूँगी, उसके बाद मैं अपनी हाइट देखूँगी। तो मेरी हाइट है 14 इंच ब्लाउज की, तो मैं 15 इंच लूँगी, 1 इंच मैं मार्जिन के लिए लूँगी। उसके बाद आप उतना ही फोल्ड कर लीजिए जितना आपको ज़रूरत है। उसके बाद अपना कोई भी पुराना ब्लाउज आप उसे प्लेस कर दीजिए, फिर सारी मार्किंग कर लीजिए आधा इंच का गैप छोड़ के, ताकि वो हेमार्जिन में हेमिंग में यूज़ कर सकें। मार्किंग करने के बाद, क्योंकि ये हेल्टर नेक ब्लाउज है तो उसकी नेक की मार्किंग हम अलग से करेंगे, तो आपको थोड़ा सा जो आपका शोल्डर है वो आपको बढ़ा लेना रहेगा इस तरह से, और नेक को आपको थोड़ा सा कम लेकर इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी होगी। और जो पहले की मार्किंग है आप उसे निकाल दीजिए और सिर्फ यही मार्किंग पे आप सीजर से हेल्प से कट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजर की हेल्प से मैं अपनी ये मार्किंग कट कर लूँगी। कट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। कट करने के बाद आप बीच में भी मार्किंग करेंगे नेक के पास, तो बैक और फ्रंट दोनों में करेंगे। तो मैं 3 इंच की मार्किंग ले लूँगी बीच में, और फिर वो भी सीजर की हेल्प से आपको एक सिंपली एक स्ट्रेट लाइन कट कर लेनी होगी। यहाँ पे मैंने कर लिया है। उसके बाद आप फ्रंट सेक्शन का बैक लेंगे और उसमें जो टक्स हम ऐड करते हैं ब्लाउज में वो करेंगे, उससे हमारी ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। पहले आप देखेंगे आपके शोल्डर्स का, तो आपका उसका सेंटर लेना है, क्योंकि मेरा 8 है तो मैं 4 इंच लूँगी। दोनों भी शोल्डर्स को आपका मार्क कर लेना है। उसके बाद बॉटम का भी सेंटर लेना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बॉटम का भी सेंटर लूँगी जो कि आता है 8.5 इंच, 17 है मेरा। आधा इंच को आपको काउंट नहीं करना है, सिर्फ 4-4 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, तो हम 4-4 इंच पे मार्क करके इस तरह से कर्वी शेप दे देंगे और उसके बाद उसे आधा इंच अंदर डाल के मोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मोड़ लिया है। उसके बाद आपको बैक साइड का लेना है और सिर्फ आर्म होल और जो नेक का हमने वो जो बीच का हिस्सा कटा किया था उसे स्टिच कर लेना है। ये दोनों ही चीज़ आपको कट कर लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ में स्टिच कर लिया है। अब जहाँ पे हम डोरी ऐड करेंगे नेक की तरफ, उसको आपको थोड़ा सा अंदर डाल के मोड़ लेना है। इस तरह से आप मोड़ लेंगे ताकि अंदर से हम डोरी डाल सके, तो ये भी चीज़ मैंने कर ली है। अब आपको बैक साइड का इसके ऊपर प्लेस करना है दोनों साइड्स, और बॉटम को 1 इंच अंदर डाल के हेम कर लेना है। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कर लिया। अब हम डोरी ऐड करेंगे ऊपर हॉल्टर नेक के लिए। तो यहाँ पे डोरी ऐड करने के लिए आप मैंने इसी सेम फैब्रिक से एक पतली सी डोरी बना ली है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं एक इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से बैक साइड से हमें बोर्ड डोरी डालनी होगी, क्योंकि बैक साइड में हम डोरी बंद करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको बैक साइड से शुरू करनी है, और फ्रंट साइड में भी आपको इसी तरह से डोरी डालते हुए आल लेकर आ जाना है, और बैक साइड में आपको फिर वो डोरी बंद कर लेनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डोरी डाल दूँगी बहुत ईजीली। यहाँ पे मैंने डोरी डाल दिया है इस तरह से। आप उसमें थोड़ी चुन्नटें ला सकते हैं और फिर आप इसमें नॉट दे सकते हैं। नॉट देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी है। आप चाहो तो पीछे लटकन लगा सकते हैं, जहाँ पे हमने डोरी लगाई है डोरी लटकन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, पर आप चाहो तो आप लगा सकते हो। ये लगाने के बाद हमारा ये जो ब्यूटीफुल सा ब्लाउज़ है बिल्कुल रेडी है। आप किसी भी साड़ी पे पहन सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो गाइस, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें, नीचे कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें कि मैं आपके लिए किस तरह के वीडियोज़ बनाऊँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।